सिखों की कनाडा माइग्रेशन की कहानी 19वीं और 20वीं सदी से शुरू होती है, जब इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। उस समय पहले सिख माइग्रेंट लकड़ी, रेल रोड और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने के लिए कनाडा जाते थे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद कई सिख परिवार उनके जगहों से हटा दिए गए। नए अवसर और नए जीवन की तलाश में कई लोग विदेश भी गए, जिनमें से कई सिख कनाडा चले गए क्योंकि पहले से ही उनके बहुत से फैमिली मेंबर्स कनाडा में शिफ्ट हो चुके थे। आज के समय में कई सिख इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। 2021 के सेंसस के मुताबिक कनाडा में 7 लाख से भी ज्यादा सिख रहते हैं, जो वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2% है। बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी एक बड़ा कारण है। कनाडा गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस को काफी सपोर्ट करती है, जिससे सिख कम्युनिटी को यहाँ पर बिजनेस रन करने में कोई तकलीफ नहीं आती। पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स ने भी सिखों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद सिखों को अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षित और स्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत महसूस होने लगी। कनाडा अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। इसीलिए 1984 के बाद कई सारे सिख भारत छोड़ के कनाडा चले गए। फैमिली और कम्युनिटी भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कनाडा में सिख कम्युनिटी काफी स्टेब्लिश्ड है। जैसे नए इमिग्रेंट्स को बिलोंगिंग्स और सपोर्ट का एहसास होता है, फैमिली रियूनिफिकेशन के पॉलिसी के थ्रू एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम और सोशल सर्विस भी इंडिया से काफी बेहतर है। क्लीन इन्वायरमेंट, कम पॉल्यूशन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सिख कम्युनिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ की रीजंस कि क्यों सिख कम्युनिटी इंडिया से कनाडा शिफ्ट होती है।